एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी रेसिपी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सुपर यमी इंस्टेंट गाजर की खीर की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि इतनी मज़ेदार, इतनी लजीजा बनती है कि जब आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। बगैर किसी खोए मलाई क्रीम के बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर वाली हम खीर बनाएंगे। जब आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक पतीली में 3 से 4 टेबल स्पून के करीब देसी घी ऐड करेंगे। अगर आप इसमें देसी घी ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 से 4 अदद कैरेट को हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। जब भी घर में कोई यम्मी सी स्वीट डिश बनानी हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह सभी को जो है बेहद ही पसंद आएगी। इसके लिए आप लोगों को किसी भी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट 15 से 20 मिनट में ये बन के रेडी हो जाती है। यहाँ पर हमारी कैरेट जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी जो है हम इस स्टेज पर इसमें शुगर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं इसमें 1 कप शुगर ऐड करूँगी। शुगर जो है आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी में इतना मीठा जो है बिल्कुल ही परफेक्ट है। यहाँ पर जैसे ही हम इसमें शुगर ऐड करेंगे तो शुगर जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो बस हम शुगर को मेल्ट होने का वेट करेंगे। यहाँ पर शुगर जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, ऐसे लगता है कि जैसा कि हमने इसके अंदर पानी ऐड किया हो। तो बस अभी जो है हम इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तीन से चार मिनट कुक कर लेने के बाद यहाँ पर शुगर का पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और हमारी कैरेट्स भी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। और कैरेट्स का कलर चेक करें, कैसे प्यारा सा बन चुका है। तो बस इस पॉइंट पर जो है हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क आप लोग जितना इसमें ऐड करना चाहें, आप लोगों की अपनी मर्जी है। यहाँ पर मैं इसमें 1.25 लीटर जो है इसमें मिल्क ऐड कर दूँगी। दूध ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसकी हल्के से मिक्सिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें 3 से 4 अदद हरी इलायची ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं साबित इलायची तोड़ के ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और दूध को हम बॉयल आने का वेट करेंगे। जितनी देर में दूध को बॉयल आता है इतनी देर में हम उसके लिए चावल रेडी कर लेंगे। यहाँ पर 1/2 कप चावल को हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अभी जो है हम इसको एक ब्लेंडर के जग में ट्रांसफ़र कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें 10 से 12 अदद काजू ऐड करेंगे। काजू को भी हमने थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिया था, तो इसको भी हम चावल के साथ 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है और हमारी खीर का जो फ्लेवर है बहुत ही मज़े का बनता है। अब यहाँ पर दूध को भी बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो हमने जो चावल ब्लेंड किए हुए थे हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड कर लेने के बाद अभी हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसको लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक कि हमारे चावल जो है अच्छी तरह से गल ना जाएं। 5 से 7 मिनट कुक कर लेने के बाद यहाँ पर हमारे चावल जो है अच्छी तरह से गल चुके हैं और माशाल्लाह से खीर जो है गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। इस पॉइंट पर आप लोगों को जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक कि हमारी खीर अच्छी तरह से गाढ़ी ना हो जाए। जैसे जैसे आप इसको मज़ीद पकाते जाएंगे इसका कलर जो है डार्क सा प्यारा सा होता जाएगा और आप इसका टेक्सचर जितना चाहिए हो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। बगैर खोए मलाई के बिल्कुल ही रबड़ी जैसी हमारी इंस्टेंट गाजर की खीर जो है बन के रेडी हो चुकी है। कैसे सुपर यमी कमाल की लग रही है। जब आप इसकी फर्स्ट बाइट लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। और इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कंजूसी मत किया करें। अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दिया करें, इससे हमें अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाने की हौसला अफजाई होती है।
इस रेसिपी के अलावा आप मेरे चैनल पर और भी सुपर यम्मी इजी रेसिपीज़ वॉच कर सकते हैं, जिसमें इजी इजी बेकिंग की रेसिपीज़ भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और आप अपने बच्चों को हेल्दी रेसिपीज़ बनाकर दें, स्पेशल रेसिपीज़ जो है मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप वॉच करके अपने प्यारे से बच्चों को हेल्दी पराठा रेसिपीज़ भी बनाकर दे सकते हैं। और रमज़ान करीम आने वाला है, तो रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ वीडियोज़ देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप सभी को जो है बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप कि ये मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी होगी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नई और मजेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।